हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है होप्स आप सबकी दिवाली और सभी त्योहार अच्छे खासे तरीके से बीते होंगे अब नाउ बैक टू बिजनेस आते हैं और अच्छे खासे शेयर पर नजर रखते हैं क्योंकि हम फुली इन्वेस्टेड है और एज वेल एज आप लोग भी होंगे और नहीं भी होंगे तो ऐसे स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करेंगे जहाँ पर अच्छे खासे हमें गेन मिल सकते हैं। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड जो कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट में यहाँ पर चल सक चलता है और अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी एक बेहतरीन प्राइस पे आ गया है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल उस स्टॉक्स में बन जाता है अकॉर्डिंग टू मी और अगर मैं बात करूं तो ये वो स्टॉक्स केवल छप्पन रुपए का फिफ्टी सिक्स रुपीज का स्टॉक्स है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक बार देख लेंगे और काफी बेहतरीन यहां पर नंबर भी नजर आ रहे हैं सब चीज एवरीथिंग इज ओके आइए चलते हैं देखते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस से मिलती रहे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना है और हमसे कॉन्टैक्ट करना है जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर जाएगा आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वो पेड सर्विस है यहां पर हम बात कर सकते हैं अबाउट स्टॉक मार्केट तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं तो सबसे पहले हम जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले उसके कुछ पैरामीटर देख लेते हैं अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊ उसकी पैरामीटर तो यहाँ देखिए डिविडेंड कंपनी ने 2020 में एक रुपए का डिविडेंड दिया 2021 में एक रुपये बीस पैसे का तो डिविडेंड का बढ़ना याद रखिएगा जिस तरीके से डिविडेंड बढ़ता है तो समझ लीजिएगा कि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर काम कर रही है कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है इसी वजह से डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड अगर साल दर साल यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है तो और बेहतरीन माना जाता है इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप यहां पर अगर हम रिवेन्यू देखें तो आपको पता चलेगी रिवेन्यू यहाँ पर हर साल रिवेन्यू यहाँ पर इनका बढ़ता हुआ नजर आता है देखिए देखिए ये ये करोड़ था मतलब हर साल पर इनका बढ़ रहा है नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट की बात करें भी जो अठारह उन्नीस में एक एक करोड़ दो हजार बीस में दो दो करोड़ रुपए है ओके okay, मतलब यहाँ पर ये चीज भी बढ़ती हुई नजर आती है कोई प्लेजिंग नहीं है कुछ भी नहीं है इसके अभी रिसेंटली यहाँ पर नंबर आए थे तो उसके एक बार नंबर भी देख लेते हैं तो देखिए ये नंबर इसमें क्वार्टरली बेसिस पे रखे हैं यहाँ पर क्वार्टरली पर कोई नंबर है हाफ ईयरली और ईयरली है तो ये इस बार के रिजल्ट है ये मार्च के रिजल्ट है और लास्ट ईयर के रिजल्ट है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए टोटल रिवेन्यू यहाँ पर इन मिलियंस इन रुपीस में है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे थ्री सेवन फाइव सेवन टू सेवन मतलब सैंतीस करोड़ सत्तावन सत्तावन लाख सैंतीस हज़ार मतलब सैंतीस करोड़ के आसपास की इनकम है साढ़े सैंतीस करोड़ की इससे पहले हाफ ईयरली मतलब मार्च की बात करें सैंतालीस करोड़ के आसपास थी और अभी पैंतीस पैतीस करोड़ एक साल पहले पैंतीस करोड़ बीस बीस हजार तो हम ईयरली बेसिस पे सीधे यहाँ पर करते हैं ओके यहाँ पर हाफ ईयरली बेसिस पे नहीं करेंगे क्योंकि ईयरली बेसिस पे मोस्टली माना जाता है यहाँ पर जब भी हम कंपेरिजन करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पर भी नहीं माना जाता ईयरली बेसिस पर माना जाता है तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर रेवेन्यू है जो अच्छे खासे तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ

और देखिए एक्सपेंसेस ईयरली बेसिस पर देखें देखे, तो जहां 33 करोड़ 35 लाख था वहां पर 36 करोड़ 47 लाख है ये एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं तो यहां पर प्रॉफिट प्रॉफिट में यहां पर असर रहता है और यहां पर अगर हम देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो आपको दिखेगा कितना आ, 87 लाख 84000 का यहां पर प्रॉफिट है एक साल पहले कितना था बारह एक करोड़ बाईस लाख मतलब एक करोड़ बाईस लाख का प्रॉफिट और कहां पर सत्तासी लाख का प्रॉफिट यहां पर रह गया तो अच्छा खासा यहां पर गिरावट हुई है ईयरली बेसिस जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस एक्सपेंस इनके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए है, दो तरीके के होते हैं वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट वेरिएबल चेंज होते रहते हैं कॉन्स्टेंट यहाँ पर बने रहते हैं तो अभी जैसे धीरे धीरे सब कुछ ओपन होता हुआ हुआ नजर आ रहा है तो अगले क्वार्टर में शायद ये कंपनी और बेहतरीन यहाँ परफॉर्मेंस करे तो यहां पर अगर हम बात करें ईपीएस में भी यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है बट कंपनी एटलीस्ट यहाँ पर अच्छी

आगे बढ़ा रही है तो ये कंपनियों को फायदा होता हुआ नजर आएगा और ये कंपनी भागती हुई नजर आएगी शेयर प्राइस भागता हुआ नजर आएगा कार यहाँ पर फोर व्हीलर सिक्स व्हीलर और जो भी एड ये जो जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स है ओके ये सब में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है छोटे बाइक से लेके बड़ी यहाँ पर सब चीजों में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर देखिए बाइक यहाँ पर देखिए बसेस यहाँ पर और भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स है जैकि ये देखिए ऐसी भी टाइप में यहाँ पर जो छोटी मोटी है यहाँ पर कार्गो टाइप में यहाँ पर ये कार हो गई हर तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे तो यहां पर अगर बात करें इस कंपनी की 97 में आती हुई दिखाई दी थी बिगेस्ट नेटवर्क इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ एंडियामल ड्रिवन टूब्स इज सपोर्टिंग टायर ट्यूब इंडस्ट्री नियर लुधियाना वी फील प्राउड टू इन्फॉर्म दैट नाउ आर प्रोडक्ट इज ऑल्सो अवेलेबल इन बांग्लादेश भूटान इजिप्ट नेपाल श्रीलंका पाकिस्तान और थ्रू डॉल्फिन इज टूडे बिकमिंग Of the best and fast growing up brand in the international market, but we are. मेनली कंसेंट्रेटिंग ऑन इंडियाज इंडिया डोमेस्टिक मार्केट ऑनली तो यहाँ पर कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर नजर आती है ट्यूब से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है uh, टायर से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है और यहाँ पर uh, अच्छा खासा यहाँ पर uh, इंडिया में ही नहीं भारत ही कंपनी अपने आपको uh, पहुँचाने की कोशिश कर रही है मेनली कंसेंट्रेशन का केवल इंडिया में ही है यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं थ्री व्हीलर फोर व्हीलर कार इनके क्लाइंट्स वगैरह सब चीज यहाँ पर मिल जाएगी इनके वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा अब बात करते हैं देखिए मार्केट कैप माइक्रो कैप कंपनी है बावन हजार करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है इस चीज को याद रखिएगा आर की सी की बात करें तो आर ओ सी फिफ्टीन फिफ्टीन परसेंट की है जो कि काफ़ी ठीक ठाक है अब पी ई रेशो की बात करें तो अठारह का यहाँ पर पी ई रेशो है यहाँ पर इसके अलावा अगर फेस वैल्यू की बात करें दस की फेस वैल्यू है परसेंटेज की, पर पर की बात करें यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर प्लेजिंग नहीं है डेट की बात करें छप्पन परसेंट का यहाँ पर डेट भी और है और कंपनी को आए हुए कितने यहाँ पर मार्केट में दो हज़ार अठारह में लिस्ट होती हुई नज़र आई थी तो ज़्यादा जाद नहीं तीन साल के लगभग यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर लिस्ट हुए हुए हैं इसके अलावा यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कंपनी 2010, 11, 12, 13 तक का रिकॉर्ड देखिए यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी 18 से 21 तक का अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर इनकी जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस देख लिये मटेरियल ऑफ कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये सब चीज इसके अलावा हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो एक करोड़ इकतीस से एक करोड़ सत्तासी ओके इसके बाद दो करोड़ छप्पन दो करोड़ चौरासी तो यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है रिजर्व की बात करें कंपनी का देखिए दस साल के अंदर अंदर एक करोड़ से बारह करोड़ का रिजर्व हो गया है बॉरिंग दो करोड़ से चौरासी करोड़ से यहाँ पर ग्यारह करोड़ ग्यारह लाख के यहाँ पर बॉरिंग यहाँ पर इनकी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही रही यही चीज़ है एक प्रॉब्लम वाली बोरिंग कम कर देंगे तो प्रॉफिट में यहाँ पर इजाफा होगा आपको पता ही है इसके अलावा कैश की बात करें कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पर कैश भी ट्रेड रिसीव कंपनी को अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आता है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है आर ओ सी यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से तेरह चौदह पंद्रह इक्कीस के लगभग यहाँ पर चलती रहती है अब दोबारा यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो ये शेयर दोबारा से यहाँ पर ग्रो होगा तो आर शायद और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी इसके अलावा यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखे तो देखिए मार्च 2019 में 30 परसेंट था सितंबर में यहाँ पर 31 कर दिया 20 में यहाँ पर थर्टी हो गया ट्वेंटी में यहाँ पर देखिए सेप्टेबर थर्टी वन हो गया यहाँ पर बढ़ा मतलब हर क्वार्टर में यहाँ पर देखिए हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी फिर दोबारा इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है थर्टी की पब्लिक की बात करें तो पब्लिक

तो और ये एक, एक दो दो परसेंट नहीं, बीस बीस तीस तीस पर बीस बीस दस दस परसेंट के तरीके से ये शेयर भागता हुआ नजर आता है अब क्या नजर आ रहा है अब इसमें मुझे जो नजर आता है कि देखिए जब भी यहाँ पर भी अगर हम देखें ट्वेंटी जब जब ये थर्टी डी एम के आसपास या ट्वेंटी फोर या उसके नीचे जाता है तो शेयर फिर यहाँ पर मूव करना शुरू कर देता है भागना शुरू कर देता है अभी ये बात करें दोबारा ट्वेंटी फोर के आर एस आई पे आ गया है और जब भी इस आर एस आई पे आता है तो मुझे तो यहाँ पर चीजें पसंद आने लग जाती है जब भी कम आर एस आई पे आती है और जब रिजल्ट अच्छे खासे आए हो नॉर्मल रिजल्ट है ओके तो अच्छे खासे तो नहीं कहूँगा बट नॉर्मल रिजल्ट है ना ज्यादा हाई फाई रिजल्ट है ना ज्यादा बेकार रिजल्ट है और ये अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना अभी गिर रहा है तो गिर रहा है जिस दिन भागना किया ओके दोबारा सत्तावन पर ये ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट भागेगा और अच्छे खासे आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा ऑलरेडी फिफ्टी सेवन परसेंट आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर 57 का पर फिफ्टी सेवन परसेंट का गेन मुझे साफ साफ नजर आता है ओके okay, बट आपको बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है जैसे बता रहा हूँ लोअर सर्किट में ही देखिए नीचे आया था तो लोअर सर्किट में यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है कल शायद यहाँ पर आपको अपर सर्किट दोबारा लगता हुआ नजर आ सकता है इसके अलावा चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर देखिए ये यहाँ रुका था यहाँ रुका था तो एक कब विद एंडल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है चार पैटर्न कुछ यहाँ पर साफ नहीं है क्योंकि अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला स्टॉक से इस वजह से वरना यहाँ पर काफी बेहतरीन यहाँ नजर आता है ये कब नजर आ रहा है यहाँ पर देखिए ये यह शेयर यहाँ पर नीचे आ गया है यहाँ से शायद ऊपर जाके हैंडल बनाए है और ऊपर जाके ये चीजें निकलती हुई नजर आए और ज्यादा ये शेयर चला भी नहीं है ऐसा नहीं है कि ये शेयर ऑलरेडी दस रुपए से इतना चुप चला गया हो या उतना देखिए ये कितना आ, हम बात करते हैं अप्रैल 2021 20 इक्कीस बीस की आ, आ, यहाँ पर 2020 की बात करते हैं तो सैंतीस रुपए का स्टॉक सर छप्पन रुपए में मिल रहा है एकदम बेहतरीन मुझे तो यहाँ पर से ये यह चीजें यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से देखिएगा ज्यादा इन्वेस्ट करने की सलाह मैं भी नहीं दूंगा क्योंकि छोटा छोटी कंपनी है ओके कुछ भी हो सकता है बट स्टिल यहां पर से चीजें अच्छी नजर आती है रिस्क थोड़ा सा रिवॉर्ड यहाँ पर मुझे ज्यादा नजर आता है और यहाँ पर टारगेट की बात करें तो कंपनी के टारगेट भी एक सौ के फिर सौ पैंतीस परसेंट के फिफ्टी टू परसेंट ये हंड्रेड परसेंट से ज्यादा के यहाँ पर क्या नजर आ रहे हैं यहाँ पर नजर आते हैं इसकी रिटर्न तो काफी बेहतरीन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के नाम से ये शेयर मुझे यहाँ पर नजर आता है तो अपने अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से और खुद की स्टडी करके यहाँ पर ये स्टॉक्स को यहाँ पर बाइंग करने की सोचेगा ज्यादा पैसा लगाने की सुबह सोचेगा अगर रिस्क लेने की टाइट है तो यहाँ पर पोजीशन लीजिएगा नहीं तो अदरवाइज मार्केट में स्टेबल स्टॉक्स है रिस्क कम है हाँ, हाँ, अच्छे खासे रिटर्न है नॉर्मल रिटर्न मिलेंगे नॉर्मल रिस्क रहेगी यहाँ पर रिस्क ज्यादा है क्योंकि अपर सर्किट लोअर सर्किट में और यहाँ पर अच्छे रिटर्न की भी गुंजाइश है टाइम से निकलना आना चाहिए टाइम से निकलना आ जाएगा तो अच्छा खासा पैसा आप यहाँ पर बना लेंगे तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देखिएगा मुझे यहाँ पर से शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है कल की डेट में शायद ये अपर सर्किट में लगता हुआ नजर आएगा तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिए और हमें जितना हो सके सपोर्ट करिए सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस